हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोवा के टॉप बीचेस कौन कौन से हैं। अगर आप गोवा आते हैं तो कौन कौन से ऐसे बीचेस हैं जिनको आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। वैसे तो गोवा में अराउंड 60 बीच है, लेकिन अगर मैं बात करूँ टूरिस्ट बीच की या फिर ऐसे बीच की जो पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा नोन है, तो ऐसे बीच गोवा में लगभग 15-20 बीचेस हैं जो पब्लिकली बहुत ज़्यादा नोन है और जहाँ पे टूरिस्ट जाते ही जाते हैं घूमने के लिए। अब डिपेंड करता है उनके पास कितना टाइम है, उनका ट्रिप कितने दिनों का है, उस हिसाब से वो बीच विजिट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोवा के जो मोस्ट फेमस बीचेस हैं वो कौन कौन से हैं और जब भी आप गोवा आएँ तो आप कौन कौन से बीच को विजिट करें। तो आज के इस वीडियो में मैंने गोवा के जो टॉप 14 बीचेस हैं उनको लिस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला बीच कौन सा है जिसे आपको विजिट करना चाहिए और मोस्ट फेमस कौन सा है। तो यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं बागा बीच। तो नॉर्थ गोवा में बागा बीच है जो बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के बीच में। तो गोवा का बागा बीच जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस बीच है यहाँ का। अगर आप कभी गोवा आए होंगे तो आप भी ज़रूर विजिट किए होंगे बागा बीच को, और इन फ्यूचर अगर आप आने वाले हैं तो भी आप ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बागा बीच पे सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं, तो इसलिए भी टूरिस्ट को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूँ रात के बारे में तो इवनिंग टाइम में भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामने आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है यहाँ पे, और अगर आप पार्टी लवर हैं तो ये बीच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आता है कलंगुट बीच, जो कि नॉर्थ गोवा में है। तो नॉर्थ गोवा का कलंगुट बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट के बीच में। नॉर्थ गोवा के दो बीचेज ऐसे हैं, बागा बीच और कलंगुट बीच, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा सीजन के टाइम पे। और कलंगुट बीच को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। और अगर मैं बात करूँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे भी सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इवनिंग के टाइम का व्यू है ये, तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम का व्यू भी बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हैं। तो कलंगुट बीच को भी आप अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। और तीसरे नंबर पे जो बीच है वो है अरंबोल बीच। ये भी नॉर्थ गोवा में है और नॉर्थ गोवा का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बीच है। अरंबोल बीच को हिप्पी बीच के नाम से भी जाना जाता है। अरंबोल बीच फॉरनर्स का फेवरेट बीच है और यहाँ पे फॉरनर्स मार्केट भी लगाते हैं जिसको हिप्पी मार्केट बोला जाता है, और इसी वजह से इस बीच को भी हिप्पी बीच के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे भी हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। अरंबोल बीच से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कलाचा बीच है, और जस्ट कलाचा बीच के बैक साइड में वहाँ पे स्वीट वाटर लेक है जिसको अरंबोल स्वीट वाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी फेमस है ये लेक गोवा में। तो जब भी आप अरंबोल बीच आएंगे आप इन दोनों जगहों को ज़रूर विजिट कीजिए साथ में। और इसके बाद जो बीच आता है वो है अंजुना बीच। तो अंजुना बीच के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। अंजुना बीच नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही पॉपुलर बीच है। अगर आप टॉप 5 बीचेस की बात करेंगे तो उसमें अंजुना बीच भी एक बीच में लिस्ट होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट के बीच में। अंजुना बीच वैसे तो पार्टी बीच के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी होती है। और अगर मैं बात करूँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हर एक तरह के करवाए जाते हैं, और यहाँ का सनसेट व्यू भी बहुत ज़्यादा फेमस है, सामने आप देख सकते हैं। अंजुना बीच के पास ही अंजुना फ्ली मार्केट लगता है जो कि हर एक वेडनेसडे को लगता है। तो अगर आप वेडनेसडे को आते हैं यहाँ पे, तो ज़रूर आप उस मार्केट को भी विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गोवा में अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इस मार्केट को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। हालांकि यहाँ पे आपका बार्गेनिंग स्किल अच्छा होगा तभी आप प्रोडक्ट्स ले पाएंगे। अंजुना बीच के बाद आता है अश्वम बीच, जो कि नॉर्थ गोवा में है और ये भी टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस है। स्पेशली फॉरनर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। इस बीच पे आपको बहुत ज़्यादा इंडियन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे फॉरनर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप क्राउड वाले बीच से परेशान हो गए हैं और कहीं पे शांति से जाके आप अपना डे स्पेंड करना चाहते हैं, तो अश्वम बीच परफेक्ट है आपके लिए। और अगर मैं बात करूँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो हाँ यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। तो आप जब भी आएँगे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। अश्विम बीच के जस्ट बगल में ही है मॉर्जिम बीच। आप अश्विम बीच से मॉर्जिम बीच वॉक करके भी जा सकते हैं, हार्डली 10 मिनट्स आपको वॉक करना होगा। मॉर्जिम बीच नॉर्थ गोवा के टॉप बीचेस में से एक है और इसे लिटिल रसिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे रशियंस आ जाते हैं सीजन के टाइम पे गोवा में, और कुछ महीनों के लिए वो गोवा में ही रहते हैं, तो इस बीच के आसपास ही वो सेटल हो जाते हैं कहीं भी रूम लेके। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको वही दिखेंगे, रशियंस ही दिखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको शैक मिलेंगे बीच पे
वहाँ का जो मेन्यू है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रशियन फूड मिलेंगे, तो इसीलिए इस बीच को रशियन बीच भी बोला जाता है या फिर लिटिल रसिया भी बोला जाता है। मॉर्जिम बीच को टर्टल बीच के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस बीच पे बहुत सारे टर्टल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और बात करूँ यहाँ के नाइट व्यू की, तो नाइट में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको लगेगा क्योंकि शैक्स वगैरह ओपन रहते हैं लेट नाइट तक। और इसके बाद आता है कैंडोलिम बीच, तो कैंडोलिम बीच भी नॉर्थ गोवा में है और नॉर्थ गोवा के फेमस बीचेस में से कैंडोलिम बीच भी एक बीच है। कैंडोलिम बीच कलंगुट बीच के आसपास ही है, तो जब भी आप विजिट करें दोनों बीच को साथ में विजिट कर सकते हैं। अगर आप पीस लवर हैं तो फिर कैंडोलिम बीच आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और कैंडोलिम बीच पे भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको रेट भी एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरासेलिंग के लिए 1500 है, जेट स्की के लिए 600 है, बम्पर के लिए 600 है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रेट एक बार देख लें। नॉर्मल डेज में तो इस बीच पे आपको कम क्राउड मिलेगा लेकिन सीज़न के टाइम पे जैसे अभी जनवरी में आपको यहाँ पे क्राउड मिलेगा। और उसके बाद आता है वेगेटर बीच जो कि नॉर्थ गोवा में है, तो नॉर्थ गोवा का ये बहुत ही पॉपुलर बीच है और आप कह सकते हैं कि अगर गोवा के टॉप 5 बीचेस की बात की जाए तो उसमें वेगेटर बीच का भी एक नाम आएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट के बीच में और यहाँ के लोकल्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाते हैं क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही साफ़ है और काफ़ी रिलैक्सिंग लगेगा इस बीच पे आके आपको। और वेगेटर बीच पे भी हर तरीके के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं, सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट है। और अगर आपने सुना होगा सनबर्न फेस्टिवल के बारे में, तो सनबर्न फेस्टिवल गोवा में वेगेटर बीच पे ही होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं यहाँ पे और अप्रॉक्स 52 कंट्रीज से यहाँ पे लोग आते हैं सनबर्न फेस्टिवल को एंजॉय करने। और नेक्स्ट बीच है मैंड्रम बीच जो कि नॉर्थ गोवा में ही है। मैंड्रम बीच स्पेशली अपने सनसेट व्यू के लिए जाना जाता है और यहाँ पे योगा और मेडिटेशन के लिए भी ये बीच जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जगह जगह आप देखेंगे योगा और मेडिटेशन के क्लासेस हैं और काफ़ी लोग आपको इस बीच पे योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए भी दिखेंगे जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे भी ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स ही देखने को मिलेंगे, हालांकि इंडियंस भी रहते हैं। और उसके बाद आता है सिंक्वेरियम बीच और उसके पास ही है लोअर फोर्ट अगोडा। तो जब भी आप गोवा आएंगे और अगर आप पैकेज लेते हैं तो उसमें ये डेस्टिनेशन कवर्ड है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर विजिट करवाया जाएगा। सामने आप देख रहे हैं लोअर फोर्ट अगोडा आपको दिख रहा है और नीचे आपको पूरा बीच दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ का। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये होटल ताज है, तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा आपको देखने को मिलेगा इस होटल से। और उसके बाद आता है दोनापोला बीच, तो दोनापोला बीच भी नॉर्थ गोवा का बहुत ही फेमस बीच है। अगर आप नॉर्थ गोवा घूमने आए हैं तो दोनापोला आप ज़रूर घूमिए, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए। और सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगम मूवी की शूटिंग हुई है इसी पॉइंट पे, तो जब भी आप आएँ यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद आता है मीरामार बीच, तो मीरामार बीच नॉर्थ गोवा के पणजी में है। जब भी आप मीरामार बीच घूमने आए तो यहाँ पे डॉल्फिन टूर होता है वो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। 400 के अराउंड आपको टिकट मिलेगा यहाँ पे और एक घंटे का आपका टाइम लगेगा। मीरामार बीच से जस्ट सामने ही है कैरंजलम बीच, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जब भी आप यहाँ पे आएँ वॉक करके आप कैरंजलम बीच भी जा सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और सामने आप देख रहे हैं आगे जाके मंडोवी रिवर है मीरामार बीच के आगे, वहाँ पे सारे फ्लोटिंग कसिनोज हैं, तो ये मेन पंजिम सिटी में आ जाता है। और अगर मैं बात करूँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे किसी भी तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती है। और अब मैं बात करती हूँ साउथ गोवा के बीचेस की, तो साउथ गोवा में सबसे पहला बीच जो आपको विजिट करना चाहिए वो है पैलोलिम बीच। तो पैलोलिम बीच बहुत ही फेमस बीच है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच ऑफ साउथ गोवा है, तो इसको आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आप पैलोलिम बीच आते हैं तो यहाँ पर आप 3 बीच विजिट कर लेते हैं एक साथ। आप पैलोलिम बीच आएंगे और यहाँ से आप बोट राइड ले लीजिए और बोट राइड लेके आप बीच के दूसरे साइड जाएंगे और वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं हनीमून बीच, जिसको हनीमून आइलैंड भी बोला जाता है। उसके बाद एक मंकी आइलैंड है वो भी आपको विज़िट करवाया जाएगा और उसके बाद एक बटरफ्लाई आइलैंड है वो भी आपको विज़िट करवाया जाएगा। तो सामने आप देख रहे हैं इसी बोट से आप जाएंगे और बीच के दूसरे साइड पे आप जाएंगे, वहाँ पे आइलैंड है, तो ये तीनों आइलैंड आप विज़िट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका यहाँ पे। तो सामने जो आपको पहाड़ी दिख रहा है ये बटरफ्लाई शेप में है, तो इस वजह से इसको बटरफ्लाई आइलैंड बोला जाता है। और उसके बाद सामने अभी आपको दिख रहा है ये हनीमून आइलैंड है, तो इसको हनीमून आइलैंड बोला जाता है। छोटे छोटे आइलैंड है ये, तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके।
तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप साउथ गोवा विजिट करने आएँ, आप इस बीच को ज़रूर विजिट करिए। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे डॉल्फिन टूर भी करवाया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ का सनसेट व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के नाइट लाइफ की, तो नाइट लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं ये नाइट का पूरा व्यू है, काफ़ी अच्छे शैक्स हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे आपको हट मिलेंगे रेंट पे, तो वो हट आप रेंट पे ले लीजिए और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है कोलवा बीच। तो अगर आप साउथ गोवा आए हैं और कोलवा बीच नहीं घूमेंगे तो फिर ये आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ज़रूर आप कोलवा बीच विज़िट कीजिए। कोलवा बीच पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाए जाते हैं और ये बीच काफ़ी क्राउडेड मिलेगा आपको सीज़न के टाइम पे। कोलवा बीच अपने सनराइज़ और सनसेट व्यू के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो या तो आप मॉर्निंग के टाइम में आएँ या फिर आप इवनिंग के टाइम में आएँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं और बीचों की बात करूँ तो साउथ गोवा में अगोंडा बीच है, बेताल बाटिम बीच है, ये सारे बीच भी आप विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी बीच को लिस्ट किया है ये सारे टॉप बीचेस हैं गोवा के। तो जब भी आप आएंगे आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लें कि आपको कहाँ पे कौन से बीच किस दिन घूमना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा आपका ट्रिप प्लान करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।